लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था अपनी जयपुर ट्रिप का, फर्स्ट डे का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया था। दो जगह हम लोग घूम कर आए हैं, चौकीधानी और आमेर फोर्ट। सेकेंड डे का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। एनीवेज अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं सेकेंड डे के व्लॉग के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। अगर आप लोगों के भर भर के कमेंट आएंगे तभी मैं उस व्लॉग को आप लोगों के साथ में लेकर के आऊंगी। ट्रिप से आने के बाद में ना मेरे घर का क्या हाल था और किस तरह से मैंने चीजों को मैनेज किया, क्या सिचुएशन हम लोगों के साथ में ऐसी हुई, चलिए वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में आज के इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद ना अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक जरूर करिएगा। कभी कभी ना कुछ चीजें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे होती हैं जिनमें ना हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब जिस दिन हम घूमने गए थे ना, उस दिन हमारा आरओ बिल्कुल खराब हो गया। उसी दिन खराब हुआ, पानी हम ले जाने के लिए भर रहे थे, बस एक बॉटल भरी, बाकी की मशीन ही चलने बंद हो गई। अचानक से समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और फाइनली डिसीजन लिया कि अब इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आएंगे उसी दिन इसे सही कराना पड़ेगा। अब जब कहीं से आओ ना तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता, तो हम लोग लेट नाइट पहुंचे थे 10 से 11 बजे के बीच में। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था जिसमें हमारा 2 घंटा जबरदस्ती का खराब हुआ। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें आज मतलब इंस्टेंट कराना ही पड़ा। सारा घर इस वक्त मेरा चिड़ियाघर बना हुआ है। पहले जो भी मेन प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व आउट हो जाए, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी बाद में। लंच में फाइनली सभी ने पुलाव खाने का डिसीजन लिया। बेसिक से खड़े मसाले, तेजपात का पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये डाल करके मैंने डाला है थोड़ा सा राई। इस पुलाव को मैं बनाती हूँ राई में, राई के साथ में बहुत थोड़ा सा जीरा और हींग। अनियन को बहुत ज़्यादा रेड नहीं करती हूँ, बहुत हल्का सा सौते किया है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने डाला है गाजर और मटर। जिस तरह से मैं डेली में कुकिंग करती हूँ ना, आज मेरी उस तरह से कुकिंग हो ही नहीं पा रही थी। गोभी भी मैंने साथ के साथ कट किया। सारी ही सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है और सॉल्ट डालने के बाद अब मैं इन्हें करूँगी हाफ बॉयल। गीजर तो सही तरीके से लग गया मेरी किचन में। अब बारी आती है मेरी किचन की सिंक की। अब इसकी ना जाली काफ़ी लूज़ हो रही थी और लूज़ होने के साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम हो आती थी कि जब भी मैं पत्ते वाली सब्जियां धोती थी ना, पत्ते अगर इसमें अट जाएं तो पानी जाता ही नहीं था। पता नहीं इसका सिस्टम, इसकी जो जाली थी वो डबल जाली थी जिससे ना पानी बिल्कुल ही बंद हो जाता था। तो अब मैंने इसकी जाली को चेंज कराया है। सब्जियां भी मेरी हाफ बॉइल्ड हो चुकी हैं। अब इस पुलाव में मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़ करती हूँ गरम मसाले का और मिर्ची के फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ काले मिर्च। हल्दी डालना चाहो डाल सकते हो, कभी डाल भी देती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। और इसमें जो फ्लेवर आता है ना, ये गरम मसाले का, ये जो खड़े गरम मसाले हमने यूज़ किए हैं और ये जो गरम मसाले यूज़ किए हैं ना, इसी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बना है ना बिल्कुल खिला खिला, एक एक दाना खिला खिला। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं ना, अच्छी कंपनी का होना चाहिए या फिर घर का गरम मसाला, तभी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। चावल डाल करके ढक करके रख दिया था और चावल में हमेशा जितने चावल की क्वांटिटी में लेती हूँ उसका डबल पानी लेती हूँ। सारी ही क्लिप्स आज शूट नहीं हो पाई, आप समझ सकते हैं जब घर में काम चलता है ना तो किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। वैसे तो ये भैया प्लम्बिंग का काम नहीं करते, बट जब मैंने इनसे पूछा कि आप मेरी जाली चेंज कर देंगे तो ये एग्री हो गए। बट इनके पास ना वो प्रॉपर टूल्स नहीं थे क्योंकि ये प्लम्बिंग का काम नहीं करते थे। तो टूल्स तो सारे मेरे पास थे, मैंने इनको बोल दिया कि टूल्स हैं, आप टूल्स की टेंशन मत लो। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा सारी ही चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं मेरे पास में। और ये जितने भी बेसिक टूल्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनाइज रहते हैं मेरी इस कबर्ड में। कई बार मैंने अपनी इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया है और आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है। अभी इसकी डीप क्लीनिंग करनी है तब इसका वीडियो आप लोगों के सामने आएगा। बट हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या रिसेंटली मेरे साथ में जुड़े हैं ना, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा किस तरह से मेरी ये वाली कबर्ड ऑर्गेनाइज रहती है।
फाइनली जाली मेरी लग चुकी थी, अब मुझे चेक करना बाकी था कि पानी सही से जा पा रहा है कि नहीं। और इस स्टेप में भी ना पानी बहुत कम आ रहा था, बट हम तीनों लगे इस स्टेप को खोलने के लिए, बट ये टस से मस नहीं हुई। कोई बात नहीं, इसकी ना बस मुझे जाली खुलवा करके इसे साफ करवाना था, बट वो जाली खुल ही नहीं रही थी। अब इसमें काम आएगा मेरा देसी जुगाड़। किसी दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरह से मैं इसे खोलूंगी। मैं बस यहाँ पर यही झांक रही थी, उसने जैसे ठोका पीटी करी ना हल्की हल्की सी, तो इस पे निशान तो नहीं आ गए। अभी मैंने मंगवाया है वॉल हैंगिंग और ये ना लग नहीं पा रहा था। अब इन भैया के पास में ड्रिलिंग मशीन थी, तो सोचा साथ ही साथ इसे भी लगवा लूँ। कल ना वंश का यूटी है, तो उसे बैठाया है मैंने पढ़ने के लिए, और वान्या का कल कंपटीशन है, डांस कंपटीशन, तो यहाँ पर फाइनली मैं वान्या की करा रही हूँ प्रैक्टिस। घर तो मेरा पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है, जो चीज़ें जहाँ पर जैसे रख दी ना रात में, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ रखी हुई हैं, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पर हाथ लग ही नहीं पाया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।